याद रखो, मसाजिदें अगर वीरान होती हैं तो दुश्मन की नजर उठती है, अगर आबाद रहेगी तो कोई मां का जाना माई का लाल हमारी मस्जिद पे नजर उठा के नहीं रह सकता, किसी में हिम्मत नहीं है। आबाद करो। फजर की नमाज में मस्जिद को जाते हैं तो क्या देखते हैं? सिर्फ एक 8-10 लोग हैं, वो भी जईफ लोग हैं, एक नौजवान नहीं दिखता। अरे तुम कभी फजर की नमाज पढ़ के निकला करो और देखो अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की कामयाबी सुबह से लेकर रात तक तुम्हारे साथ रहेगी। जोहर पढ़ के देखो कि किस तरीके से अल्लाह तुम्हारे कारोबार में खैर बरकत देगा। असर पढ़ के देखो, देखो अल्लाह तुम्हारे चेहरों में कैसा नूर दे देगा। मगरिब पढ़ के देखो अल्लाह तुमको कैसा ताकतवर बना देगा। ईशा पढ़ के देखो अल्लाह तुमको सेहतयाब कर देगा। अरे हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है ये। खुदा रा मेरे मुसलमान भाइयों, मैं आज आया हूं आपके दरमियान में, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, बहुत दर्द है पेट में, लेकिन फिर भी आया हूं। तो मैं अपने लिए नहीं आया हूं मेरे भाई, इतना दर्द इतनी तकलीफ सुनने वालों को तो बड़ा मजा आता है अकबर ओवैसी की तकरीर में, लेकिन ये पेट कितना दर्द देता है मैं जानता हूं, मेरा अल्लाह जानता है। आसान नहीं है पुकारना, 3 गोलियां 40 मर्तबा चाकू से मारा गया, ये हाथ पे 25 मर्तबा, आज भी ये हाथ इस तरीके से है, लेकिन मुझे मेरे अपने दर्द से ज्यादा इस बात का एहसास है कि मेरे कौम मेरे भाइयों में मुझसे ज्यादा दर्द वाले मुसलमान हैं। अल्लाह उनकी दर्द को दूर करे, उनकी दर्द को दूर करने के लिए अगर मुझसे कुछ हो सकता है तो मैं जरूर जाऊंगा, इसलिए आप तक आया हूं। इतना जख्म लगा, मेरे गुर्दे किडनी फट गई थी पूरी, अंतड़ियां 10 जगह से जख्मी थे, काट दिए गए, मेरा लिवर डैमेज हुआ, अंदर स्प्लीन डैमेज हुआ, इतना आज भी अंदर एक गोली है, इस तरफ सो नहीं सकता पलट के, गाड़ी में बैठा तो पूरा पैर दर्द होता है, ये हाथ तो बस है, लेकिन इसके बाद भी सुबह जब बेदार होता हूं नींद से तो ये दुआ करता हूं कि ऐ अल्लाह इतने बड़े हमले के बाद भी तूने मुझको हयात दी, मुझे जिंदगी दी, तो ऐ अल्लाह बता दे मुझे वो क्या काम था जिसके लिए तूने मुझे हयात दी। और सुबह से रात तक यही सोचकर निकलता हूं कि शायद ये काम था जो अल्लाह मुझसे लेना चाह रहा है, इसलिए मुझको जिंदा रखा, और ये काम है। और आज भी, और आज भी अगर आज भी आपके दरमियान में आया हूं तो शायद अल्लाह ने मुझे कड़पा के मुसलमानों के दरमियान में खिताब करने के लिए हो सकता है मुझे हयात दी हो, नहीं मालूम अल्लाह क्या काम लेना चाहता है। मेरे भाई खुदा रा समझो मेरी एक एक बात को, इस दुनिया से कोई कुछ ले जाने वाला नहीं है, कोई दौलत, कोई शोहरत, कोई जमीन, कोई जायदाद कुछ नहीं जाने वाली है, इंसान के साथ उसका अमल जाने वाला। अपने अमाल को अच्छा करो। मैं इतनी दूर आया हूं आखिरत को संवारने के लिए आया, अपनी आखिरत को अच्छी करने के लिए आया। खुदारा समझो मेरी एक एक बात पर। आज से 5 दिन पहले मेरे गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए, निर्मल से आ रहा था, कंट्रोल में नहीं थी गाड़ी, कैसे बचे कैसा हुआ अल्लाह ही जानता। आज भी हुआ, ताड़े पटरी के पास से आए, एकदम ऐसी टर्निंग आई कि दिखी नहीं, गाड़ी स्किड हो गई, लेकिन फिर भी बच गए। अरे बताओ क्या हम यतीम हैं, क्या हम बेसहारा हैं, क्या हमारे आगे पीछे मां बाप भाई बहन बीवी बच्चे क्या नहीं है, क्या हम सुकून से नहीं बैठ सकते, क्या हम सुकून से नहीं रह सकते,
क्या कोई कोई दौलत की कमी है, कोई इज्जत की कमी है? फिर क्यों धक्के खाते खाते गड़े गड़ों में फिरते फिरते आ रहे हैं, रायल सीमा आंध्रा की खाक छान रहे हैं, मुसलमानों से मिल रहे हैं, दरखास्त कर रहे हैं? तो क्यों हम अपने लिए नहीं, अपनी जात के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत के लिए आए, आपके लिए आए? समझो मेरे भाई इस बात को, पहले से ज्यादा अब जरूरी है। हम एमएलए नहीं जीत सकते ना, कॉरपोरेटर जिताओ। अगर हमारा एक कॉरपोरेटर भी जीत जाएगा ना, तो इनको फिर एक स्पीड ब्रेकर लग गया वैसा होगा, डरेंगे नहीं, आज एक आ गया कल दस आ जाएंगे, इनको डर रहेगा। समझो मेरी इस बात को, और फिर इस बात को भी याद रखो, तेलंगाना के बिल में, रीऑर्गेनाइजेशन के बिल में एक हलके पार्लियामेंट में 7 हलके असेंबली होते हैं, एक पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 7 एमएलए होते हैं। अब ये इलेक्शन के बाद एक पार्लियामेंट में 9 हलके असेंबली बनेंगे, मालूम आपको, बिल में है ये, 7 के बजाय 9 बनेंगे। अगर हमारे लोग नहीं रहेंगे ना, तो ये लोग क्या करेंगे मालूम, जहां जहां हमारी आबादी है वो आबादियों को दूसरों की आबादियों से मिला देंगे, ऐसे हलके बनाएंगे कि हमारा आदमी नहीं जीत सकता। आज क्या करें, जहां हमारी गुंजान आबादियां हैं, जहां से हमारा एक भाई जीत सकता है, उस सीट को रिजर्व कर लिए। आपके पास का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आंध्र प्रदेश में कई सीट एससी रिजर्व, एसटी रिजर्व, बीसी रिजर्व, अरे मुस्लिम एरिया है ना, तो नहीं साहब रिजर्व हो गया। आप बताओ, अगर हमारे नुमाइंदे नहीं रहेंगे, तो फिर ऐसे हलके जैसा वो चाहते हैं वैसे बना लेंगे। इसलिए जरूरी है, समझो मेरी एक एक बात को, मैं अपने लिए नहीं आपके लिए आया। अगर आज असेंबली में हमारे नुमाइंदे नहीं होंगे ना, तो ये लोग नंगा नाच नाचेंगे, याद रख लो मेरी इस बात को, याद रख लो मेरी इस बात को। वाईएस राजशेखर रेड्डी शरीफ आदमी था, अच्छा आदमी था कहूंगा, मुसलमानों का हमदर्द था, लेकिन मुझे हैरत होती है कि ऐसे बाप का ऐसा बेटा कैसा है जो बीजेपी से हाथ मिलाना चाहता है। मैं जगन मोहन रेड्डी साहब से कहूंगा, मशवरा है और वार्निंग भी समझ लो, अगर मुसलमानों के वोटों को लेकर के साथ जाके हाथ मिलाएंगे, तो याद रख लो जिस तरीके से चंद्राबाबू नायडू का हमने पीछा किया है, 9 बरस उसको इख्तदार से दूर रखा है, तुमको भी जिंदगी भर इख्तदार से दूर रख देंगे, मुसलमान इसका इंतकाम लेंगे। याद रख लो, हमको कमजोर ना समझो, हम कमजोर नहीं हैं, हम मुर्दा ख्वाब नहीं हैं, हम जिंदा ख्वाब हैं, हम मुर्दा नहीं हैं, हम हालात का मुकाबला करना जानते हैं। इख्तदार की हवस में, लालच में बीजेपी के पास ना जाओ, अगर जाओगे तो तुमको भी वैसे ही दिन देखने पड़ेंगे जो चंद्रबाबू नायडू आज देख रहे हैं। समझिए मेरी एक एक बात को मेरे भाई, हिंदुस्तान में याद रखो, सबसे बड़ी अगर हमारे पास कोई ताकत है तो हमारे वोट की ताकत। जमहूरियत में वोट सबसे बड़ा हथियार वो ताकत होता है, वोट का सही इस्तेमाल करो। कोई कुछ दे दिया, थैली दे दिया, थैला दे दिया, पॉकेट दे दिया, उसको वोट दे दिए, नहीं मेरे भाई, याद रखो, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सदा पाई है। तो ऐसी खता ना करो जो 5 बरस तक आपके ऊपर मुसलत हो जाए। मंजलिस करनूल में तूफान आया तो सबसे पहले कौन पहुंचे? रोशया से पहले पहुंचने वाली पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। अधूनी में फिसाद हुआ, कर्फ्यू हुआ,
बच्चों को वकील रखाया, जमानत करवाई और वहां पहुंचे, वहां अधोनी में मुसलमानों के दरमियान में थे, कौन मजलिस, बेलेर में मस्जिद शहीद हुई, कौन पहुंचे, मजलिस पहुंची, नंदियाल के पास वो जिलाला में मस्जिद शहीद हुई, मुसलमान को मारा गया, कौन पहुंचे, हम, मैं पहुंचा और मुझे कर्नूल में रोका गया, कड़गम फिल्म के वक्त गड़बड़ हुई हिंदूपुर में तो कौन पहुंचे हिंदूपुर की मदद के लिए, हम पहुंचे, कदरी में फिसाद हुआ तो कौन गए, हम गए मेरे भाई। आज भी अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हजार मरतबा खुदा ना खास्ता, अगर आपको भी जरूरत होगी तो आजमा के देख लेना, 5 से 6 घंटे में यह अकबरुद्दीन ओवैसी आपके दरमियान में रहेगा, आपके दरमियान में रहेंगे। हम किसी, हमको किसी से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं, और यह सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है, किसी के सामने नहीं। मुझे जेल में डाला गया 40 दिन तक, तकलीफें दी गई, अज़ियतें दी गई, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी जेल से कमजोर होकर नहीं निकला, जेल से एक नए अजम, इरादे, हिम्मत और ताकत के साथ निकला। हम डरने या घबराने वालों में से नहीं है, यह सर अल्लाह के सामने झुकता है और यह सर अल्लाह के सामने ही झुकेगा। अगर यह सर सूली पे भी लटकना गवारा है इस सर को, लेकिन झुकना गवारा नहीं है। असेंबली में भी मैंने खड़े रहकर कहा, किरण कुमार हम डरने वाले नहीं है, कहा, आज हमको जेल में डाले थे ना, कहां है किरण कुमार रेड्डी, अखबार में अब ऐड देना है ढूंढने के वास्ते कि कहां है, बोला वहां पे कि आइंदा असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी को नहीं देखूंगा, अरे ये नहीं नहीं दिख रहा है, हमारे को क्या नहीं देखा, आप बताओ, अरे जिसको अल्लाह रखे उसको कौन, अरे आप बताइए कि आज हम आगे बढ़कर आपका काम कर रहे हैं तो इनको बुरा दिखता है, ये चाहते हैं कि मजलिस खत्म हो जाए, ये चाहते हैं कि मजलिस नहीं आए, लोग बोल रहे हैं मजलिस तेलंगाना की जमात है, तेलंगाना की जमात नहीं है, मजलिस हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों की जमात है, आपकी जमात है, सबकी जमात है, और मजलिस आज नहीं देख रही है, मजलिस की नजर 2019 पर है, हमारी नजर 2019 पर है। आज भी हम चाहते हैं अगर कोई मुसलमान काबिल, नेक, दर्द रखने वाला मिल्लत का अगर कोई आएगा तो मजलिस उसको कड़पा से, नंदियाल से, करनूल से, गुंतकल से, हिंदूपुर से, कदरी से, रायचोटी से उम्मीदवार बनाने को तैयार है। आप नहीं, हम आएंगे इंशाल्लाह, आपके लिए कैंपेनिंग करेंगे। क्यों किसी के भी रहम करम पे रहना चाहते हैं? क्या कड़पा में हिम्मत वाला मेरा भाई नहीं है? क्या जय्यूर मुसलमान नहीं है? एक हिम्मत वाला नहीं है? अरे है तो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तेलंगाना में 30 तारीख को पोलिंग है, यहां पे 7 तारीख को है, वहां खत्म करेंगे फिर यहां आ जाएंगे अगर आप तैयार हैं तो। और अगर कोई बीजेपी से हाथ मिलाएगा, हम अपनी जंग खत्म करेंगे और फिर यहां जंग लड़ने को आ जाएंगे। गांव गांव, खरिया खरिया, टाउन टाउन फिरकर हम उन लोगों को बेनकाब करेंगे। कोई ये न समझे कि आज हालात बदल गए हैं, नहीं मेरे भाई, मजलिस में आज जवानी की ताकत है। आज इनको हमारे से तकलीफ क्यों है? इस वजह से कि ये जानते हैं कि मजलिस के लीडर 40 बरस की उम्र के हैं, वालिद का इंतकाल हुआ 5 बरस हुआ, ये पूरे दोनों भाई हिंदुस्तान में छा गए, अब और 10 बरस में क्या करने वाले हैं ये सोचकर ये परेशान है। अरे आज अगर आपका साथ होगा
तो हम जरूर कुछ कर सकते हैं। आज 15-16 लाख एकड़ जमीन आंध्र प्रदेश में दी गई। मैं पूछना चाहता हूं कितनी जमीन मुसलमानों को मिली कड़पा में? क्या किसी को मिली इस मजमे में? कई घर बने, क्या घर भर क्या मिले हमको? औकाफी जायदादें थी यहां की, मुझे मालूम कितनी औकाफी जायदादों को बेचकर खा गए, सिनेमा थिएटर्स बना लिए यहां के औकाफी जमीनों को। हम जानते हैं मस्जिद को रोड की तोसी के नाम पर मस्जिद के जमीन ले लिए, कब्रस्तानों को ले लिए, क्या नहीं लिए? फिर आप लोग खामोश क्यों हैं? अरे वक्फ, वक्फ की जमीन है तो हमारे लिए। कितने बैंक से हमारे बच्चों को कर्ज मिला बताओ मुझे, मैं पूछना चाहता हूं। क्यों नहीं मिला? तो क्यों नहीं पूछते आप इनसे? इनसे पूछो जब आएंगे तो जमीन हमको कब दे रहे, कितनी दे रहे। आए तो इनसे पूछो घर हमको कब दे रहे, हमारे बच्चों को बैंक का लोन कब दे रहे, कितना दे रहे, हमारे बच्चों को कॉलेज में एडमिशन मिलता या नहीं, हमारे बस्तियों में पानी लाइट नहीं है कब दे रहे, पूछो इनसे। ना पानी पूछते, ना लाइट पूछते, ना दरगाह की जमीन पूछते, ना घर पूछते, ना जमीन पूछते, ना कुछ। वो लाके एक थैली दे दिए, हां रेड्डी गारो बोले निकल गए। ऐसे ना बनो मेरे प्यारे मुसलमानों, ऐसे ना बनो, अपने वजूद का एहसास दिलाओ, तालीम पर तवज्जो दो, हाबिल बनो, नेक बनो, एक बनो, बड़ों का एहतराम करो, छोटों पे शफकत के साथ रहो, अपने वालिदैन का एहतराम करो, खवातीन की इज्जत करो, अल्लाह तुमको कामयाबी और कामरानी से नवाजेगा। आज मैं आपसे यही कहूंगा, खुदा के लिए मुल्क के हालात नाजुक है, इन नाजुक हालात को महसूस करो, मुनज्जम रहो, अपने ओटों को तकसीम ना करो, एक जगह पर आओ, अल्लाह जरूर हमको कामयाब और कामरानी अता करेगा। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आज आपके कड़पा के शहर में आई है, मेरी आपसे दरखास्त है कि मजलिस के उम्मीदवारों के लिए वोट दीजिए। आप तेलुगु देशम को वोट दिए, कांग्रेस को वोट दिए, रेड्डी साहब को दिए, राव साहब को दिए, सबको दिए ना, एक मर्तबा अपने इस भाई को भी दे के देख लो। गैरों को तो दिए थे ना, अपनों को दे दो, एक मर्तबा दे दो। हम कभी वोट नहीं मांगे, लेकिन आज मांगते हैं अपने लिए नहीं, आपके लिए, आपके इज्जत के लिए, आपके व्यवहार के लिए, आपकी ताकत के लिए, आपकी शरीयत के लिए, आपकी मस्जिद के लिए, आपकी खुदात के लिए, आपसे जो रिश्ता है इसके लिए वोट मांगते हैं। एक और दे दो, अल्लाह मजलिस को कामयाब कर देगा, तो आपकी एक नई ताकत होगी। आज कॉरपोरेटर जीतेंगे तो कल एमएलए भी जीत सकते हैं। बहरहाल मजलिस का निशान पतंग है, जबरदस्त पतंग फैलाओ आसमान में, नीचे उठाओ, जबरदस्त खींच मारो, और मजलिस के निशान पतंग को बटन दबा के मजलिस को कामयाब करो। वाखर उदान अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी हम मिले साहब की फोटोशूट की जा रही है, माओ बहनों से गुजारिश की जाती है आप कुर्सी अंदर ऐसे ही बैठ जाइए, आप मत जाइए, मर्द हजरात जाने के बाद चाहिए, आप अपने कुर्सी में ऐसे ही बैठ जाए। माओ बहनों भाई,